संसाधन और विकास। प्राकृतिक संसाधन विकास के मूल आधार हैं, क्योंकि कृषि, खनन, निर्माण तथा ऊर्जा क्षेत्र में उत्पादन बड़े तौर पर प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र भी विभिन्न स्तरों पर प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर होते हैं। इन संसाधनों को उपलब्ध कराने की पर्यावरण की क्षमता को पर्यावरणीय स्रोत प्रकार्य एनवायरमेंट सोर्स फंक्शन कहा जाता है। ये कार्य उस समय शिथिल हो जाते हैं जब संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो जाता है या प्रदूषण संसाधनों को बिगाड़ देता है। अगर हम अनवीकरणीय संसाधनों का नियंत्रित उपयोग न करें या नदी, नालों व हवा का प्रदूषण न रोकें, तो जल्द ही विकास के लिए जरूरी संसाधन नहीं मिलेगा और विकास में रुकावट आ जाएगी। हमें विकास का ऐसा मार्ग अपनाना होगा जो प्राकृतिक संसाधनों को लंबे समय तक स्वस्थ स्थिति में उपलब्ध रखे, विकास और खुशहाली को लंबे समय के लिए अर्थात टिकाऊ बनाए रख पाए। इसी को टिकाऊ विकास या टिकाऊ खुशहाली कहते हैं। इसका मतलब यह है कि विकास और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच विरोधाभास हो यह जरूरी नहीं है, न ही विकास के कारण संसाधन हमेशा के लिए नष्ट किए जाएं। अगर हम अपने पर्यावरण को बेहतर समझें तो हम विकास के लिए टिकाऊ प्रबंधन भी कर सकते हैं। पर्यावरण वैज्ञानिकों ने इसके लिए पर्यावरण की शुद्धिकरण क्षमता या सिंक कैपेसिटी की अवधारणा विकसित की है। पर्यावरण में इतनी क्षमता होती है कि एक सीमा तक प्रदूषण किया जाए तो वह उसे समाहित करके हानि रहित कर सकती है। उदाहरण के लिए, अगर हम बहती नदियों में घरेलू कचरा बहाते हैं तो नदी के जीव जंतु उन्हें अपना भोजन बनाकर पचा लेते हैं और फिर से पानी उपयोग करने लायक बना रहता है। अगर हम अत्यधिक मात्रा में नदी की क्षमता से अधिक गंदगी प्रवाहित करें तो साफ पानी वाली नदी गंदा नाला बन जाएगी। आज हमारे प्रमुख शहरों के पास बहने वाली नदियों का यही हाल हो रहा है। यही नहीं, आज हम नदियों में कई ऐसे तत्व डालते हैं जिन्हें पचाने की क्षमता नदी में नहीं है। उदाहरण के लिए, साबुन के अपशिष्ट, ये पानी से बने रहते हैं और अंत में समुद्र में जाकर मिल जाते हैं और धीरे धीरे समुद्री जल को प्रदूषित करते हैं। गांव में लकड़ी से जलने वाले चूल्हे और फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं की तुलना करें तो चूल्हे से निकलने वाला धुआं की मात्रा नवीकृत होने की सीमा से कम होती है, किंतु फैक्ट्री से अधिक एवं निरंतर धुआं निकलता रहता है। जो नवीकृत होने की मात्रा से अधिक हो तो वायु प्रदूषित हो जाएगी। इसका अर्थ यह नहीं है कि फैक्ट्री हमेशा वायु को प्रदूषित करेगी ही। यदि फैक्ट्री से नवीकृत सीमा तक ही धुआं निकले तो वायु प्रदूषित नहीं होगी। पर्यावरण के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ को अवशोषित करने की इस क्षमता को सिंक क्षमता कहा जाता है। जब अपशिष्ट निर्धारित सिंक कार्यों की सीमा से अधिक हो जाते हैं तो पर्यावरण को दीर्घकालीन हानि पहुंचती है। उदाहरण एक, भारत में भूजल की स्थिति पर वर्तमान आंकड़े हमें सुझाते हैं कि देश के अनेक भागों में इसके उपयोग की अधिकता से इसके लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। पुनर्भरण से जितना जल वापस भूमि में जाता है उससे कहीं अधिक भूजल का उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण लगभग 300 जिलों में पिछले 20 वर्षों में जल स्तर 4 मीटर तक की कमी आई है। यह स्थिति खतरे का संकेत है। भूजल के उपयोग की अधिकता विशेष रूप से पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषि समृद्ध क्षेत्रों, केंद्रीय और दक्षिणी भारत के कठोर चट्टानी पठारी क्षेत्रों तथा कुछ तटीय क्षेत्रों में और तेजी से विकसित होने वाले शहरी क्षेत्रों में भूजल का अत्यधिक उपयोग होता है। जल के उपयोग की इस अधिकता से भूजल का संग्रह कम हो जाएगा और बहुत ही तीव्रता से इसके स्तर में भी कमी होती जाएगी। उदाहरण दो, भारत में कीटनाशकों का कुप्रभाव एंडोसल्फान कीटनाशक में देखा गया है।
सन 1976 में काजू की फसल को कीड़ों से बचाने के लिए सरकार ने 15,000 एकड़ भूमि पर हेलीकॉप्टर द्वारा एंडोसल्फान कीटनाशक का छिड़काव किया। यह कार्य केरल के उत्तरी भाग के कासरगोड में किया गया। इस उपचार कार्य के 25 वर्षों तक जारी रहने के कारण वायु, जल और संपूर्ण पर्यावरण इस कीटनाशक से बुरी तरह प्रभावित हुआ। इसके परिणाम स्वरूप 11 ग्राम पंचायतों के लोगों में, मुख्य रूप से कृषि श्रमिकों में, गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हुई। वे विभिन्न तरह की बीमारियां जैसे मानसिक व शारीरिक विकलांगता, दिल और तंत्रिका तंत्र की बीमारियों आदि से ग्रस्त हो गए। यही नहीं, उस पूरे इलाके में मछलियां, कौवे व अन्य पक्षियां, कीट पतंगे आदि में भी भारी कमी आई। कुछ वर्षों से न्यायालय के आदेश द्वारा इसके छिड़काव पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और सभी प्रभावित लोगों को सरकार की ओर से मुआवजा दी जा रही है। भूजल के लिए पुनर्भरण और दोहन के बीच संतुलन बनाना क्यों जरूरी है? एंडोसल्फान के उपयोग को रोकने के लिए न्यायालय तक जाना क्यों आवश्यक समझा गया? पता करें कि आपके क्षेत्र में एंडोसल्फान का उपयोग होता है या नहीं।